इसका क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से किया गया? देखिए, प्रदेश की जनता गवाह है कि जिस दिन से कमलनाथ की सरकार प्रदेश में आई है, कुंभकर्णी नींद सो रही है, अपने विधायकों और मंत्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो जो झूठे चुनावी वादे करके आई थी उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, किसानों की कर्जा माफी की बात करके ये जो सरकार में आए हैं, इन्होंने एक बोनस देने, इनको ना तो इन्होंने कर्जा माफ किया ना इन्होंने बोनस दिया। युवाओं को ये बात करते थे कि रोजगार देंगे, ना रोजगार दिया ना बेरोजगारी भत्ता दिया। ये हर फ्रंट पर ये सरकार फेल हुई है। महिलाओं के लिए जो वादे किए थे, जो भी इन्होंने उद्योग के वादे किए थे, वो सारे झूठे साबित हुए। ये उद्योग क्या लगाएंगे जो बिजली नहीं दे पा रहे, लेकिन आम जनता को बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि एक गरीब किसान जो पहले अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमाता था, आज वो 14% का ब्याज भरकर बहुत बुरी हालत में है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 0% ब्याज की दर पर किसानों को ऋण दिया। ये घंटा नाद ही क्यों ऐसा? क्योंकि ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। ये सरकार पानी और बिजली नहीं दे पा रही। आपस में इनके विधायक लड़ रहे हैं, इनके नेता लड़ रहे हैं, आपस में ये एक दूसरे के पुतले जला रहे हैं। ये एक बेहोशी की अवस्था है। कांग्रेस एक बेहोश सरकार की तरह काम कर रही है। आपका कहना कि गहरी निद्रा में, इनका नींद अगर इससे भी नहीं टूटती तो अगली रणनीति क्या होगी? आगे हम और संघर्ष करेंगे। प्रदेश की जनता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की जितने कार्यकर्ता हैं, सभी ने मिलकर आज अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। हम मार खाने के लिए, डंडे खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके साथ अभी लगभग कितने कार्यकर्ताओं ने यहाँ गिरफ्तारी दी हुई है? आज 5,000 से 10,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्तार हुए हैं, और आने वाले समय में ये संघर्ष जारी रहेगा, और हम प्रदेश की जनता के लिए, उनके हित के लिए ये संघर्ष जारी रखेंगे।